मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी सरस्वती। आइए देवी लक्ष्मी, आपके आगमन से ब्रह्मलोक धन्य हुआ, आपका स्वागत है। आसन ग्रहण कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद देवी सरस्वती। जन कल्याण के कार्यों में इतनी व्यस्त रहती हूं कि कहीं आने जाने का समय ही नहीं मिलता। अब क्या करूं, मेरा नाम ही लक्ष्मी है, धन और वैभव की देवी हूं। सारा विश्व आदर करता है मेरा, घर घर में मेरा स्वागत होता है। जहां जहां पहुंच जाती हूं, सुख संपत्ति और वैभव अपने आप पहुंच जाते हैं वहां। यह सत्य है देवी कि आप सुख संपत्ति और वैभव की देवी हैं। यह भी सत्य है कि घर घर में आपका स्वागत होता है। किंतु किंतु क्या देवी सरस्वती? किंतु आप कहीं टिकती नहीं, स्थिरता नहीं है आप में, इसलिए तो संसार आपको चंचला कहता है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, आप एक क्षण में रुष्ट हो जाती हैं और एक क्षण में तुष्ट। आज आप यहां हैं तो कल वहां, किंतु मैं ऐसी नहीं हूं। मैं तो ज्ञान और विद्या की देवी हूं। मैं एक बार जिस मंदिर में प्रवेश कर जाती हूं, वहां सदा के लिए स्थापित हो जाती हूं। किंतु मेरे बिना किसी को जीवन का सुख नहीं मिलता। मैं धन हूं देवी सरस्वती, और निर्धनता सबसे बड़ा अभिशाप है। धन तो मैं भी हूं देवी लक्ष्मी, अंतर इतना है, आपका दिया हुआ धन तन के लिए है और मेरा दिया हुआ धन मन के लिए है। आपका दिया हुआ धन कोई भी चुरा सकता है, छीन सकता है, किंतु मैं तो विद्या हूं, ज्ञान हूं, मुझे ना तो कोई चुरा सकता है ना छीन सकता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि मेरा दिया हुआ धन जितना भी बांटिए उतना ही बढ़ता है। देवी सरस्वती, आप जानती हैं राजा को राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके पास मैं हूं। आप भूल रही हैं देवी लक्ष्मी, राजमुकुट का तब तक कोई अर्थ नहीं जब तक उसके पीछे राज तिलक का आधार ना हो, बल ना हो, संस्कार ना हो। और राज तिलक के पीछे शक्ति होती है मंत्र की, विद्या की, ज्ञान की। और सत्य तो यह है देवी लक्ष्मी कि जिसके पास मेरी दी हुई बुद्धि की शक्ति ना हो, उसके पास आपका दिया हुआ धन भी नहीं रह सकता। देवी सरस्वती, आपके पास थोथे शब्दों की कमी नहीं, आप तो बस वाणी ही वाणी हैं। देवी लक्ष्मी, शब्द जब मंत्र बन जाता है तो उसमें दिव्यता आ जाती है। वाणी का जब विद्या से मेल होता है तब वो कंठ की शोभा बन जाती है और संसार उसे सुनने के लिए व्याकुल हो उठता है। वाणी अमृत है, वो सुगंध है जो होठों पर आकर वातावरण को धन्य कर देती है। देवी सरस्वती, सत्य तो ये है कि मेरे आने से उदास वातावरण आनंदमय हो जाता है, रोते हुए मुख हंसने लगते हैं। और वो बात तो आपने अवश्य सुनी होगी कि भूखे पेट भजन भी नहीं होता। देवी सरस्वती, आप कुछ भी कह लीजिए, मैं श्रेष्ठ हूं। देवी, ज्ञान और धन में यदि कोई श्रेष्ठ है तो वो है ज्ञान, क्योंकि ज्ञानी की पूजा तो राजा भी करता है, अतः श्रेष्ठ मैं हूं। आप श्रेष्ठ हैं या मैं, हम दोनों इस विवाद में ना पड़कर इसका निर्णय भगवान विष्णु पर छोड़ते हैं कि हम दोनों में कौन श्रेष्ठ है। मुझे स्वीकार है तो चलिए। देवी लक्ष्मी सत्य ही तो कह रही है। देवी गंगा, मैं जानती हूं कि आप इनके हां में हां क्यों मिला रही हैं। मैं ये भी भली भांति जानती हूं कि वो कौन है जो मेरे विरुद्ध आपके कान भरता रहता है। भला मेरे कान कौन भरेगा? देवी गंगे हो ना हो, देवी सरस्वती का संकेत
मेरी ओर है। इन्हें संदेह है कि इन्हें चढ़ाने के लिए मैं आपको उकसाती हूं। संदेह नहीं देवी लक्ष्मी, मुझे पूर्ण विश्वास है। ये सरासर अन्याय है देवी सरस्वती, ये बात मैं भलीभांति जानती हूं कि आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान पाने के लिए सदैव ही व्याकुल रहती है, किंतु नीलकमल ने यह स्थान स्वयं मुझे दिया है और आप देवी लक्ष्मी से व्यथिरिष्ट हो रही है। गंगा सत्य कह रही है देवी सरस्वती। हाँ, गंगा तो सत्य ही कहेगी ना। मैं आप दोनों के षड्यंत्र को, इस अभिनय को भली भांति जानती हूँ। देखिए देवी सरस्वती, यदि आपके मन में देवी लक्ष्मी के लिए कोई दुराग्रह है तो कृपया मुझे क्षमा करें, मुझे व्यवहार में ना लाएं। गंगे, आपको व्यवहार में लाने की क्या आवश्यकता है मुझे? मैं स्वयं इतनी सक्षम हूं कि अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपनी योग्यता से एक दिन श्री हरि के चरणों में ही नहीं हृदय में स्थान प्राप्त कर लूंगी। ये दो शक्तियां देवी लक्ष्मी तथा देवी सरस्वती आपस में लड़ रही हैं। क्यों, इसमें विचित्र क्या है? धन और बुद्धि में तो सदैव संघर्ष रहा है और सदैव रहेगा, यही तो होता आ रहा है। ऐश्वर्य कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है, ज्ञान कहता है उसके बिना सब व्यर्थ है। श्रेष्ठता का ये युद्ध ना कभी रुका है और ना कभी रुकेगा, किंतु हे आदिशक्ति परमेश्वरी, इसका परिणाम क्या होगा? ये तीनों देवियां जाएंगी कहां? हे महाकाली, इसके लिए तो पृष्ठभूमि बहुत पहले से बन चुकी है। मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी देवी परमेश्वरी, मैं तुम्हें समझाती हूं। वो देखो, वन में एक राजा कितनी कठिन तपस्या कर रहा है। इस राजा का नाम है धर्मध्वज। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। 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 हे देवी परमेश्वरी, ये तो देवी लक्ष्मी की तपस्या कर रहा है, ये धर्मध्वज क्या चाहता है? हे देवी, इसकी कोई संतान नहीं है और वो देवी लक्ष्मी को संतान रूप में प्राप्त करना चाहता है। सच पूछो तो मेरी भी यही इच्छा थी कि ये देवियां स्वर्गलोक से पृथ्वी पर जाएं और पृथ्वी निवासियों के काम आएं। हे देवी परमेश्वरी, ये कैसे होगा? देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर तुलसी बनकर जन्म लेंगी, देवी सरस्वती एक कल्याणकारी जलधारा के रूप में प्रकट होंगी और देवी गंगा को भागीरथ नाम का एक महान तपस्वी राजा धरती पर उतार कर ले जाएगा। हे देवी परमेश्वरी, यह आपकी इच्छा से हो रहा है, आपकी लीला अपरंपार है। मैं भी देखती हूं पृथ्वी पर उतर कर ये देवियां क्या करती हैं, किंतु इस समय तो देवी लक्ष्मी अपने शाप को लेकर बड़ी चिंतित हैं। मैंने आपको इतना अधिक चिंतामग्न पहले कभी नहीं देखा। हे कमल लोचन, आप तो यूं ही योग निद्रा में थे
आपको तो ज्ञात भी नहीं होगा कि यहाँ देवी सरस्वती ने पधारकर क्या अनर्थ कर दिया। नहीं नहीं, मुझे तो कुछ भी ज्ञात नहीं, परंतु अनर्थ क्या हुआ? हे कमल लोचन, कहां मैं और कहां वो, और वो मुझे श्राप देकर चली गई। श्राप? आपको श्राप? क्या श्राप दिया उन्होंने आपको? मानव योनि में जन्म लेने का। प्रिय, ये तो कोई श्राप ना हुआ, ये तो विधि ने पहले से ही रच रखा है। कदाचित आप ये नहीं जानती कि राजा धर्मध्वज आपको पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए आप ही की तपस्या कर रहे हैं। यदि आप उनका कष्ट देखेंगी तो आपका हृदय पिघल जाएगा और आपको उन्हें वर देना ही पड़ेगा। तनिक देखिए तो कि राजा धर्मध्वज की क्या स्थिति है। वन में तपस्या करते करते उनके शरीर पर धूल मिट्टी ने अपना डेरा जमा रखा है। वे कभी भी किसी भी भयानक वन्य प्राणी का आहार बन सकते हैं। आप तो करुणामयी है ना, जाने आपका ध्यान राजा धर्मध्वज की ओर क्यों नहीं गया। ओम श्री लक्ष्मी देवाय नमः। 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 हे कमल लोचन, महाराज धर्मध्वज तो सचमुच बड़े कष्ट में हैं। उनकी ये दशा देखी नहीं जा रही है मुझसे। मैं तो इसी समय जाकर उन्हें वरदान दे दूं, किंतु मैं आपके इस किंतु को भली भांति समझता हूं। देवी, आप इस संकोच में हैं कि पृथ्वी पर जाकर आप में सारे गुण मानव वाले आ जाएंगे। हाँ कमल लोचन, और मैं आपसे दूर हो जाऊंगी और सारी दैवी शक्तियां भी मुझसे छिन जाएंगी। ये बात तो है, किंतु मानव में एक विशेष गुण तो है कि वो अपनी तपस्या के द्वारा कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राजा धर्मध्वज को आप पुत्री के रूप में उसकी तपस्या के द्वारा प्राप्त होंगी। हाँ ये सत्य है, किंतु हे कमल लोचन, आपको मुझे सहयोग देना होगा। संसार में मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी। हे प्रिय, आपसे दूर तो मैं भी नहीं रह सकता, आपके लिए अवश्य आऊंगा, क्योंकि आपको इस श्राप से मुक्त करने के लिए तो मुझे आना ही होगा, नहीं तो मेरा यह वैकुंठ अपनी शक्ति के बिना सुना सुना लगेगा। फिर आज्ञा दीजिए कमल लोचन, मैं प्रस्थान करती हूं।